लिटरली आर यू पाकिस्तानी, मतलब आपको नहीं पता कि 28 मई को क्या हुआ था। तो लाइक ये हाल है हमारी यूथ का, क्या कह सकते हैं बंदे, लाइक हमें अपनी हिस्ट्री भी प्रॉपर नहीं पता, और जो हमें पता है वो बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं है, वो हिस्ट्री हमारी जो है वो सही नहीं है। अगर जंगों के हवाले से बात की जाए तो ये तो सबको पता है कि कौन जंगे जीता कौन जंगे हारा, मगर बात है कि हमारी बुक्स में क्या मेंशन किया गया। हमारी बुक्स में हमेशा जो है वो भारत को दुश्मन दिखाया गया, जिसकी वजह से आपको पता है कि आप एक ना वो देखिए, मुफाद तो हर बंदे को अजीज होता मुफाद तो होते हैं। यहाँ पर सर हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को गाड़ी भी नहीं लगने दी जाती, अब आया भी नहीं पहन सकती वहाँ की औरतें, वहाँ पर तो रमजान में रोजे रखने पर भी पाबंदी है कि हाँ। नहीं ये तो देखें, पता क्या बात यह है कि चाइना की ज्योग्राफिकल पोजीशन देख लें, अपनी देख लें, उनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख लें, अपनी स्टेबिलिटी देख लें, अब हमारे मुल्क में देख लें क्या हालात हैं। सर उनके प्राइम मिनिस्टर आए थे, नरेंद्र मोदी जो आए थे नवाज शरीफ साहब के वहां पे, उसके अलावा वाजपेयी साहब आए थे, उन्होंने समझौता एक्सप्रेस लाई थी। और दूसरे नंबर पे भाई मुझे रिलेशन बेहतर करने हैं अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। सामने उनके लिए करतारपुर खोला, सबसे बड़ा करतारपुर खोला, इससे बेस्ट क्या करें यार हम लोगों, अभी तक बताएं। फिर सर फिर मसला कश्मीर को सामने रखते हैं ना, बात है ना, अप्रिशिएट करते हैं जी। मैं जी जी खुली आजादी, देखें मेरा इससे ज्यादा पॉजिटिविटी, इससे ज्यादा लचक क्या पाकिस्तान में, मेरा पाकिस्तान नथिंग, इट्स नथिंग। और फिर हम बोलते हैं कि हमने, और फिर हम अपने आवाम के जज्बात को उभारते हैं कि हमने वो वाला कश्मीर भी जो है वो हासिल करना है। भाई दे आर यूजिंग 5G एंड दे आर गोइंग टू यूज 6G, वहां पर दुबई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आजाद कश्मीर में क्यों नहीं कर रहा है इन्वेस्टमेंट? कश्मीर तो सेम ही है ना, कश्मीर तो वहां पर भी है, कश्मीर तो यहाँ पर भी है, फिर हमारे कश्मीर के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही? मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे जो फेमस पोर्ट है यहाँ पर आजाद कश्मीर में, वो भी इंटरनेशनल, उसका एहतराम होना चाहिए। हम कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, वहां पर औरतें बुरका नहीं पहन सकती, पाबंदी है, वहां पर मुसलमान रोजे नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते वहां पर, ये कैसा दोस्त है? फिर हम कहते हैं कि इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात मजबूत है, ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान का वो दोस्त है, हाउ इज इट पॉसिबल सर? देखिये वो अगर दोस्त है, वो दुनिया का जो है आबादी में सबसे बड़ा मुल्क है। हेलो दोस्तों, देखिए जैसे कि इस वीडियो में पाकिस्तान जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है भारत के बारे में और चीन के बारे में, जो कि चाइना में मुस्लिमों के साथ जो होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो उसका कहना है कि यार भारत के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा सेफ है मुसलमान, और यार चाइना में देख लीजिए आप, वहाँ पर क्यों नहीं बात करते हैं आप? चाइना में अत्याचार होते हैं, वहाँ के लोगों से आप बात क्यों नहीं करते हैं? चाइना को आप अपना बड़ा हितैषी क्यों बनाते हैं, जैसे पाकिस्तान बनाता है, पाकिस्तान के लोग बताते हैं कि हितैषी बताते हैं, लेकिन वो आपको दाढ़ी नहीं बढ़ाने दे रहा है, वो नहीं करने दे रहा, बा जो तुम्हारे रूल रेगुलेशन उनको फॉलो नहीं करने दे रहा। इसके बाद भी यार तुम उनसे बोलते हो कि यार चीन मेरा दोस्त है, चीन हमारा ये है, ये पाकिस्तान वाले को समझ में नहीं आता कि कैसा दोस्त है यार, ना तुम्हें दाढ़ी रखने दे रहा, ना तुम्हें यार तुम्हारे जो रूल रेगुलेशन जो चलते हैं तुम्हारे धर्म में यार उसमें भी वो नहीं करने दे रहा, तो वो कैसे तुम्हारा दोस्त हो सकता है? और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि यार वो नए नए रूल लागू करता रहता है, पाकिस्तान इसी बात से भी हैरान नहीं है, और लेकिन वो भारत के ऊपर उंगली उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ता पाकिस्तान। और दोस्तों और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा। बायकॉट भारत की, चाइना हमारा सगा है, एक तो हम कहते हैं कि चाइना इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दूसरा वो मुसलमानों की इज्जत ही नहीं कर रहा, तो कैसा दोस्त है हमारा? नहीं हमारा दोस्त वो देखें शुरू से ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख लें कि कितना जो भी किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है या किसी किस्म का कोई वफद आती है, इधर आती है, इधर से उधर जाती है, अपने मफाद के बगैर चाइना कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, ये बात बिल्कुल सही है कि अपने मफादात के बगैर तो कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन उसमें सिर्फ यही है कि देखें कोई ना कोई तो देखें 22% 25% 50% उनके अपना वो देखें, मुफाद तो हर बंदे को अजीज होता है, मुफाद तो होता है। यहाँ पर सर हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को दाढ़ी भी नहीं रखने दी जाती, अब आया भी नहीं पहन सकती वहाँ की औरतें, वहाँ पर तो रमजान में रोजे रखने पर भी पाबंदी है क्यों? हाँ नहीं ये तो देखें, पता क्या बात यह है कि चाइना की ज्योग्राफिकल पोजीशन देख लें, अपनी देख लें, उनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख लें, अपनी स्टेबिलिटी देख लें, अब हमारे मुल्क में देख लें क्या हालात हैं। सर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो भी उनका स्टेटस है वो एक अपनी जगह है, वहाँ पर माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं मिल रही, ये एक अलग मुद्दा है सर। नहीं आप हम ये देखें ना, सबसे पहली चीज है कि आप ये देखें सबसे पहले कि हमारे हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है, डिस्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे हमें तो यही नहीं पता चलता कि हमने वोट किसको डालना है। भारत वर्सेस चाइना करें तो पाकिस्तानियों के मुताबिक कहाँ जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर? मुसलमानों पर तो हर जगह जुल्म हो रहा है। इस वक्त ओआईसी भी चुप है, इस वक्त तुर्की भी चुप है, क्यों आवाज नहीं उठाई जा रही, कहाँ पर जुल्म हो रहा है? मैडम सिर्फ बात पता है, देखें सबसे बड़ी चीज यही है कि हम लोग असल में एज ए
नेशन जो है ना वो वर्क नहीं कर रही, सीधी बात है। अच्छा। मतलब है हमारे हम लोग इतना नेशन तो हम भारत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, चाइना के खिलाफ। पता क्या बात है, हम लोग ना इंडिविजुअली सोचते हैं, ठीक है, अपना मुफाद सबसे पहले रखते हैं। हम लोग एक हजूम की मानद काम कर रहे हैं, हम लोग एक हजूम है, हम लोग कौम नहीं है। अगर हम लोग कौम हो ना तो हमारी बात सुनी जाए। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। हमने फ्रांस का बायकॉट किया, हमने फ्रांस का बायकॉट किया, बाबरी मस्जिद वाला वाकया। गवर्नमेंट प्रॉब्लम कर रही है, हमारी गवर्नमेंट आगे नहीं हो रही। मैंने तो कहा है कि एमईके भी कहीं ना कहीं से तो बात स्टार्ट करनी है ना भाई। ये तो हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है, आप ही की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारी गवर्नमेंट कह रही है वो तो क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहते, हम तो फिर क्रिकेट मैच चाहते हैं। जिस दिन गवर्नमेंट चाहेगी ना उसका अगले दिन रिजल्ट आप ही देखेंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाह रही है रिलेशन बेहतर करना? ये जो आप गवर्नमेंट आई है, अब भाई आपकी बात ओवरऑल ये इनके ये नहीं ओवरऑल जब भी ये तो परवेज मुशर्रफ की भी आप बात करें तो ये आम ये जो पॉलिटिशियन से ज्यादा तो हमेशा ये जो डिक्टेटर से इन्होंने कोशिश की है की इंडिया के साथ मामला बेहतर है। तो ये अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, हम तल्लुका बेहतर नहीं करना चाहते। आपका मतलब ये कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं चाहती इंडिया से तल्लुका बेहतर हो? ये नहीं बोला उन्होंने, ये नहीं बोला, मकसद यही है, बात करने का मकसद यही है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, हमारे वजीर खारजा इस वक्त के ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर है। अगर पहली गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं थी तो जाहिर है कि उस चीज को वाइप आउट करने में, उसको बेहतर करने में टाइम तो लगेगा ना। बिलावल भुट्टो जरदारी वहां गए हैं, नहीं जाना चाहिए था इस तरह बेहतर करने के लिए, किसी को तो जाना था ना आगे, तो फिर अभी ये कह रहा, अभी ये बंदा कह रहा है साहब वहां पे गया, मैं थोड़ी सी बात करता हूं। इंडिया ने कहा है, हम तो चाहते थे शुरुआत हो, आना जाना हो, टेबल टॉक हो, हम तो चाहते थे। पहले एजेंडा सेट होता है, उससे पहले मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं, वहां जाके आपने क्या बात करनी है। अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे रस्ते खुलते हैं, रस्ते यूनाइटेड नेशन में जाके बिलावल साहब ने पता है क्या बोला था, पूछा रफ गुजरात, एक तरफ हम ऐसी स्टेटमेंट दें, दूसरी तरफ हम जाके के टेबल टॉक होनी है। उन्होंने ये बात कर दी, कही थी ये बात, इसलिए कहते हैं ना बात सोच समझ के करनी। इंडिया ने वहाँ 8 कंट्रीज की समिट में, अच्छा सुन तो ले, उसको एक तरफ गालियां निकालते थे और दूसरी तरफ कोशिश करते थे कि वहां पे उनके, वो जी मेरा फोन नहीं, एक मिनट के लिए बात ही नहीं, एक मिनट बात भाई, अभी रिसेंटली एक माह पहले की बात है, बिलावल भुट्टो गया, बिलावल भुट्टो गया वहां पे कि भाई जाना है तल्लुका बहाल करे, एक समिट हो रहा है वहां पे जाना हमने। अब बिलावल भुट्टो गया तल्लुका बढ़ाने के लिए गया, ठीक है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान पॉजिटिविटी नहीं दिखाता। अब दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में अब तक जो भी देखा उसमें देखा कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं वो बोल रहे हैं कि सबको पता है यार जो युद्ध हुआ था भारत के साथ उसमें क्या हुआ था, तो हमारी किताबों में यार क्या क्या पढ़ाते हैं गलत सलत भारत के बारे में, तो नफरत तो बढ़ेगी। आप देख सकते हैं कि यार पाकिस्तान जो है भारत को दुश्मन बताता है, बच्चों को जो किताबें बतावे जो पढ़ाते होंगे स्कूल वगैरह में, तो यार नफरत फैलाते हैं तो कहाँ से यार वो बनेगी। जो आपने किताबों में भारत के बारे में उल्टा चीज़ें लिखोगे तो यही होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।